जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के बारे में तो सब जानते हैं, जो जन्नत कहलाता है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ पिघलते ग्लेशियर तक की खूबसूरती दिल को खुश कर देती है। अक्सर लोग घूमने के लिए भीड़भाड़ से दूर शांत जगहों की तलाश में रहते हैं। आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर शांति से अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। हम बात कर रहे हैं चतपाल की। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में। दक्षिण कश्मीर में बसा ये शहर सुंदर होने के साथ बेहद शांत इलाका है। श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर चतपाल है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर पीले और सफेद फूलों के खूबसूरत बगीचे देखने को मिलते हैं। नीले आकाश के नीचे का ये नजारा बहुत ही अद्भुत होता है। सभी लोग कश्मीर में गुलमर्ग और श्रीनगर के बारे में ही जानते हैं, इसी वजह से चतपाल अभी तक लोगों की नजरों से छूट गया है। यहाँ पर बिजनेस का कोई नामो निशान नहीं है। ये जगह पूरी तरह से एकांत में है। कुछ समय पहले ही सरकार द्वारा इस जगह को पूरी तरह से टूरिस्टों के लिए तैयार किया गया है। भीड़भाड़ से दूर छुट्टियां बिताने वालों के लिए ये एकदम सही जगह है। इसके अलावा आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर रोमांटिक हॉलीडे भी स्पेंड कर सकते हैं। इस शांत जगह पर कई टूरिस्ट अपने वीकेंड के लिए आते हैं। घाटी की सुंदरता को देखने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन चतपाल में घूमने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है। आराम से रहने के साथ साथ आप यहाँ पर खूबसूरत वादियों का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पहाड़ों के साथ साथ नदियों और झरनों का शोर भी सुनने को मिलता है। अप्रैल से जून तक गर्मी के मौसम में चतपाल घूमने का सबसे सही समय है। इस दौरान यहाँ का तापमान 11 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है, जबकि सर्दियों के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं तो सर्दी के मौसम में आना बेहतर होगा। सर्दी या गर्मी, हर मौसम में आप यहाँ की टेस्टी चाय का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने दोस्तों या फैमिली के साथ ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं, साथ ही अखरोट और सेब के सुंदर बाग भी देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चतपाल कैसे जाएं, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि प्रमुख शहरों जैसे चंडीगढ़, जम्मू, मुंबई और नई दिल्ली से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपको किराए पर टैक्सी मिल जाएंगी, जो चतपाल के लिए हमेशा मौजूद रहती हैं। यहाँ से चतपाल 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो सबसे पास का स्टेशन जम्मू तवी है, जो कि चतपाल से 222 किलोमीटर दूर है। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अनंतनाग चितेरगुल रोड से अचाबल तक जाना होगा। उसके बाद अचाबल से लोकल जीप लेकर चितेरगुल और फिर दूसरी जीप लेकर आप चतपाल तक पहुंच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।